अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में सऊदी अरबिया से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करूंगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो पहले हम बात करते हैं हरूप के बारे में। अक्सर लोगों का ये सवाल रहता है कि हरूप को कैसे हटाया जा सकता है। हरूप होता क्या है, पहले आप ये समझिए। हरूप का मतलब होता है एब्सेंट। हरूप एक अरबिक वर्ड है। हुरूप बोलते हैं भाग जाने को। आप किसी कंपनी के अंडर में काम कर रहे हैं, कफिल के अंडर में काम कर रहे हैं, जब आप बिना बताए एब्सेंट करते हैं, तब आपका कंपनी या कफिल आप पे हुरूप लगा देता है कि ये बंदा बिना बताए एब्सेंट किया, भाग गया। कई बार क्या होता है, बहुत से लोगों को हुरूप जो है काम करते हुए भी लगाया जाता है। ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है उन लोगों को जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, जो लोग कफिल के अंडर में काम करते हैं, उनको ज़्यादा हुरूप का मसला आता है। अब इस केस में करें क्या, अगर आप में से किसी को हरूप लग जाता है तो हरूप को हटाने का तरीका क्या है। तो देखिए, हरूप हटाने का सिर्फ दो ऑप्शन रहता है। पहला ऑप्शन, आपका कफिल या कंपनी हटा सकता है, वो भी हरूप लगा के अगर 15 दिन से ज़्यादा नहीं हुआ है तभी हटा सकता हो। अगर हरूप लगा के 15 दिन क्रॉस हो चुका है तो फिर आपका कंपनी या कफिल भी आपको हरूप को नहीं हटा सकता। ये चीज़ बहुत लोगों को नहीं पता है और इसके वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम होता है उनको। वो लोग पैसे दे देते हैं, बाहर में एजेंट्स बोलते हैं हम आपका हरूप हटा देंगे, आप पैसे दो। कई बार कफिल भी पैसों का डिमांड करते हैं कि तुम मुझे पैसे दो, मैं आपका हरूप हटा दूंगा। तो याद रखिए, 15 दिन अगर क्रॉस हो जाता है हरूप लगा के, तो वो आपका कफिल भी नहीं हटा सकता। तो कभी भी हरूप हटवाने के लिए आप पैसा मत देना किसी को भी। अब आप पे हरूप लगा है या नहीं, ये कैसे चेक कर सकते हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, इस वीडियो में आप चेक कर सकते हो। साथ ही ये इन्फॉर्मेशन को आप अपने फ्रेंड्स तक भी जरूर शेयर करना, ताकि किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना हो। बहुत लोग बेचारे जिनको पता नहीं है, वो पैसा दे देते हैं, बाद में फिर ना उनका काम बनता है ना ही उनका पैसा रिफंड होता है। अब बात करते हैं दूसरा ऑप्शन की। अगर आपको लगता है आप पे गलत तरीके से हरूप लगाया गया है, तो फिर आप इसको जो है कंप्लेन कर सकते हो लेबर ऑफिस में। मेक श्योर जब आप लेबर ऑफिस में कंप्लेन करेंगे, वहाँ पे आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपके कफिल ने या कंपनी ने गलत तरीके से आप पे हरूप लगाया है। अगर आप खुद गलत हो, आपने बिना बताए एब्सेंट किया है और आप लेबर ऑफिस में कंप्लेन करते हो, तो फिर आपका हरूप नहीं हट सकता है। ये बहुत टफ़ काम होता है वहाँ पे प्रूफ करना कि आपके कफिल ने आप पे गलत तरीके से हरूप लगाया है। अब मान लीजिए आपका हरूप नहीं हट रहा, आप लेबर ऑफिस में भी कंप्लेन किए फिर भी आपका हरूप नहीं हट रहा, तब आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में जावजात कहता है आप जो है अपने आप को सरेंडर करिए। आपको तरहील डिटेंशन सेंटर में अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, फिर बाकी जो प्रोसेस है वो जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ होते हैं, तरहील वाले होते हैं, वो करते हैं। उसके बाद आपको सऊदी अरबिया से डिपोर्ट कर दिया जाता है, लेकिन आप लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाते हो, आप कभी दोबारा सऊदी अरबिया नहीं आ सकते काम करने के लिए। ये टॉपिक को इस वीडियो में मैंने इसलिए कवर किया क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं है, बहुत से लोग अनजान हैं। तो आप ये वीडियो को शेयर करके उनका जरूर हेल्प करिएगा, हरूप के बारे में उनको ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं दूसरी अपडेट की। सऊदी अरबिया में बहुत भयानक चेकिंग है, आप लोग को भी पता होगा जो लोग यहाँ पे पुराने हैं, हज से पहले बहुत ज़बरदस्त चेकिंग रहती है। तो इस वीक सऊदी अरबिया में लगभग 14,500 से भी ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया, जो लोग इलीगली काम कर रहे थे सऊदी अरबिया में या फिर बॉर्डर क्रॉस करने का कोशिश कर रहे थे। इसमें सबसे ज़्यादा लोग यमनी थे, 63% यमनी लोग थे और 34% इथोपियन थे, 3% कोई दूसरे कंट्री के लोग थे। इसमें 74 लोग ऐसे थे जो बॉर्डर क्रॉस करने का कोशिश कर रहे थे इलीगली। इसके अलावा 11 लोगों को ऐसे भी अरेस्ट किया गया है जो इलीगली रह रहे सऊदी अरबिया में, उनको पनाह देते थे। तो दोस्तों याद रखिए, सऊदी अरबिया में जो लोग इलीगल तरीके से रहते हैं वो तो गलत है ही, साथ में जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, अपने रूम में पनाह देते हैं, वैसे लोग भी गलत कर रहे हैं। अगर पकड़े जाते हैं तो उन पे भी सेम एक्शन लिया जाता है। अब इन लोगों के साथ में क्या एक्शन होगा ये भी मैं बता देता हूँ। लगभग 15 साल तक की जेल की सज़ा होगी और 1 मिलियन रियाल का फाइन भी हो सकता है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने 3,500 से भी ज़्यादा ऐसे लोगों को पकड़ा है जो लोग भीख मांग रहे थे। मैंने इससे पहले ऑलरेडी एक वीडियो में बताया था कि सऊदी अरबिया में भीख मांगना ये गलत है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी बता दूँ, जो लोग रोड पे सड़क पे भीख मांगते हैं सिर्फ वही गलत नहीं है, जो लोग सोशल नेटवर्क के थ्रू या फिर कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू पैसे का डिमांड कर रहे वो भी एक प्रकार से गलत है,
उसको भी यहाँ की गवर्नमेंट मानती है कि वो भी भीख मांग रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो है एड चलाते हैं सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे। तो याद रखिए, इस तरह का कोई भी फंडिंग मनी कलेक्शन सऊदी अरबिया में इल्लीगल है। ऐसा करते हुए जो भी लोग पकड़े जाते हैं, उन्होंने जितना भी मनी कलेक्शन किया हुआ रहता है, ये सारा छीन लिया जाता है उनसे। इसके बाद जो सज़ा है वो सज़ा दिया जाता है, उसके बाद यहाँ से उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है और लाइफ टाइम के लिए उनको बैन कर दिया जाता है सऊदी अरबिया से। तो भीख मांगने की सज़ा क्या है सऊदी अरबिया में, ये भी बता देता हूँ। लगभग 6 महीने की जेल की सज़ा हो सकती है और 50,000 रियाल का फ़ाइन हो सकता है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से उमरा को लेके भी एक अपडेट है। उमरा करने के लिए जो भी जाएंगे उनको प्रॉपर परमिट लेके जाना पड़ेगा। बिना परमिट का जो भी उमरा करने के लिए जाएंगे, अगर वो पकड़े जाते हैं 10,000 रियाल का फ़ाइन हो सकता है। तो मेक श्योर आप में से जो भी जा रहे हैं उमरा करने के लिए, परमिट लीजिए, उसके बाद ही जाइए। इसके बाद एक गुड न्यूज़ है, सऊदी अरबिया में उमरा करने के लिए अगर आप में से कोई भी आना चाहते हैं तो अब आपको किसी एजेंट पे या फिर ऑफिस पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। अब आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं उमरा वीज़ा के लिए। यानी अब जो है आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप खुद से भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो या फिर आप कोई ऑफिस या एजेंट के थ्रू भी कर सकते हो। आप खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हो उमरा वीज़ा के लिए, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बता दूंगा कि आप कैसे कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।